मैं हमेशा से ही, ये जो साहित्य का रिश्ता है ना, वो पापा की तरफ से आता है. उन्होंने हमेशा से ही ना, मतलब इवन इवन व्हेन ही वाज अ किड, वो भी काफी ज्यादा इसमें इन्वॉल्व रहते थे. और ये अपब्रिंगिंग जो है वो पापा की तरफ से ही आई है. आप अगर, बल्कि उनको उनको हर एक चीज का ही, अगर मैं हर डिपार्टमेंट को यू नो बाइफिकेट करते हुए चलूं, उनको हमेशा था कि मेरे बच्चे ना कुछ हर एरिया में डिफरेंट करें. एंड एक अजीब बात बताता हूँ आपको, सॉरी एक हल्का सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ. हाँ बहुत कम लोगों को पता है, और विश्व रंग पे मैं बता देता हूँ आज ये बात, कि मेरा और आयुष भैया का नाम पहले आयुष्मान और अपार शक्ति नहीं था. ओके, नाउ दिस इज सम ट्रिविया. या तो मेरे पापा इतने ज्यादा हर क्षेत्र के यू नो चीजों पे नजर रखते थे, एंड यू रियली वांटेड टू नेम द किड्स, एंड डेफिनेटली दोनों का नाम काफी डिफरेंट है और काफी लंबा, इतना लंबा है कि मतलब वो ब्लॉक्स खत्म हो जाते हैं, बैंक डिटेल्स जब भरते हैं ना तो ब्लॉक्स खत्म हो जाते हैं वो. तो आयुष भैया का नाम पहले निशांत था, और मेरे जो कजिन्स हैं वो अभी भी उनको निशु भैया बुलाते हैं, उनको आयुष आयुष्मान नहीं बुलाते हैं, उनको निशु भैया बुलाते हैं. और अगर मैं ये नाम अपना बता दूं तो आप मेरा टीना बहुत मजाक उड़ाओगे यार. नहीं नहीं आई गॉड प्रॉमिस, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, चुपचाप आप लाइव पे बता दो, पक्का पक्का किसी को नहीं किसी को, बताऊंगी. जितने लोग अभी मैं कह रहा हूँ म्यूट कर दो, जो देख रहे हैं उनको पता ना चले कि मैंने क्या बोला. ठीक है, हाँ तो हर घर में ना एक मामी होती है या बुआ होती है या चाची होती है जिनको मन करता है हाँ मैं रखूंगी बच्चे का नाम, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो मेरे घर में कोई, तो मैं तो विदाउट विदाउट टेकिंग अ नेम, मेरे घर में एक रिश्तेदार थे जिन्होंने कहा नाम मैं रखती हूँ, उन्होंने उनका नाम निशांत रखा और मेरा नाम पारुल रखा. यार पारुल वो लड़की का नाम होता है, सोचो मत. आपने कहा था मजाक नहीं उड़ाओगे ना, बस बोलो ऐसे मत करो यार, ये गलत बात है यार. एक तो मैंने पारुल कौन नाम रखता है?